प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केंद्र सरकार की सेवाओं में नवनियुक्त 70,000 युवाओं को आज टेलीविजन प्रणाली के माध्यम से देश के 43 स्थानों पर नियुक्त पत्र दिए गए। इस समय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर के धर्मपेठ स्थित वनामती संस्थान के सभागार में रोजगार मेले के तहत आयोजित कार्यक्रम में सरकारी नौकरी के अभ्यर्थियों को नियुक्त पत्र दिए है। इस समय बोलते हुए नितिन गडकरी ने उम्मीद जताई कि अगले साल मिहान में 1,00,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा और इससे नागपुर की अर्थव्यवस्था सशक्त बनेगी। बांस से सफेद चारकोल के उत्पादन के संबंध में उन्होंने कहा कि बांस की खेती से किसानों को रोजगार मिलेगा और NTPC जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम भी इस चारकोल से उत्पादित पैलेट खरीद रहे हैं। गडकरी ने सांसद आदर्श ग्राम पांचगांव को दिए गए गलीचा बनाने के प्रशिक्षण के विषय में जानकारी दी। इस मौके पर उन्होंने नवनियुक्त कर्मचारियों को सरकारी सेवा में शामिल होने पर बधाई दी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रतिनिधि के रूप में 5 व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। इस कार्यक्रम में 239 नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक शामिल है। प्रोबेशनरी ऑफिसर, असिस्टेंट बैंक मैनेजर, सेंट्रल रेलवे और VNID नागपुर में शामिल होने वाले विभिन्न कर्मचारियों को इस राष्ट्रीयकृत में बैंक में शामिल किया गया। आनंदाची आणि समाधानाची गोष्ट आहे की आज आपल्या इथे विशेषतः उद्यमिता मंत्रालय NSDE आणि कौशल विकास निगम NSDC यांच्या माध्यमातून भारत सरकारने विशेष रूपाने ज्या तरुणांना प्रशिक्षित केलं, स्किलच्या दृष्टीने त्यांना डेव्हलप केलं, अशा सगळ्या लोकांना आपण नियुक्तीपत्र देतोय। आपल्या देशासमोरची सगळ्यात मोठी समस्या कोणती असेल, ती रोजगाराची आहे आणि रोजगार जो आहे त्याचा संबंध आपल्यामध्ये असणाऱ्या गुणवत्तेशी आहे। आपल्यामध्ये कोणतं स्किल्ड आहे की ज्याच्या आधारावर आपण हा रोजगार प्राप्त करू शकतो। त्यामुळे अनेक वेळा ज्या अनेक कला आहेत, ज्या अनेक लोकांमध्ये उपजत आहेत, त्या कलांना विकसित करणं, प्रशिक्षित करणं आणि त्या पर्टिक्युलर कौशल्यामध्ये त्यांना एक्सपर्ट करणं हे खूप आवश्यक आहे। मी नेहमी एक उदाहरण सांगतो, मुंबईमध्ये ताज लँडसेन म्हणून 5-स्टार हॉटेल आहे, तिथे एक चायनीज रेस्टॉरंट आहे। तिथे मुंबईत गेलो की मी कधी कधी नेहमी जातो, तिथे एक डेव्हिड नावाचा शेफ आहे आणि मी तो नेहमी चायनीजमधला एक्सपर्ट आहे। मी गेलं की तो निर्णय डिशेस तयार करून देतो। मी एकदा त्याला विचारलं, डेव्हिड आप कहां से हो, इंग्लिश मध्ये विचारलं। NBCN न्यूज के लिए अजित कुवर के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।